नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा और बात करते हैं 11 मई की कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए आज का दिन। बात करते हैं हम चंद्र राशि पर आधारित है ये 12 के 12 राशिफल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सेहत काफ़ी अच्छी रहती हुई मुझे नज़र आ रही है, लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप शिव की आराधना करते रहिए क्योंकि शिव जी आपके मार्ग खोलने में आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे और आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगे। दूसरी अगर हम राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए जो आने वाला समय है वो काफ़ी आप प्लानिंग करके चल रहे हैं आगे आने वाले वक्त के लिए। आज का दिन आपका प्लानिंग में बीतेगा, मेरे फ्यूचर में कैसा होगा, मैं ये काम कर लूँ तो मुझे आगे जाके कितना बेनिफिट होगा, कुछ फ्यूचर को लेकर प्लानिंग आपकी चलेगी जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग तभी परेशान होते हैं कि हम प्लानिंग नहीं करते, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप प्लानिंग करके चल रहे हैं। और अगर हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट के लिए शुभ समय है। जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी जॉब को लेकर, उनके लिए भी दिन शुभ है। जब भी आप कोई पेपर दें या आप पढ़ाई भी कर रहे हैं वैसे तो आपके लिए शुभ ही है। एक इलायची खाकर घर से ज़रूर निकले आज के दिन, जिस भी इंपॉर्टेंट काम में आप जा रहे हैं आपके लिए शुभ रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की बात करें तो काम संबंधित बहुत सारे ऑप्शन राह आपको नज़र आ सकती है। आप प्लानिंग कर सकते हैं कर्क राशि वाले जितने लोग हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं, मैं फ्यूचर में अपने काम के साथ ये चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर आपका माइंड आज का दिन चलता हुआ मुझे नज़र आता है। आपके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप शिव की आराधना करते हैं और शिव जी पर यदि दूध चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की बात करें तो पैसा आता हुआ नज़र आता है मुझे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पैसा भी आ रहा है, साथ साथ आपका अटका हुआ पैसा आ रहा है। शत्रु से सावधान रहें, कुछ ऐसे शत्रु हो सकते हैं जिनकी बात आपको बुरी लग सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे सावधान रहिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों की बात करूं तो मैं, आपके कामकाज में तेज़ी आ सकती है। जो काम आप कर रहे हैं, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, उसमें आप कस्टमर्स की लाइन लग सकती है, कस्टमर इंक्रीज हो सकते हैं, ये आपके लिए मुझे दिखाई देता है और मुझे आज का दिन आपके लिए शुभ दिखता है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए तो लाभ दिखाई दे रहा है मुझे। तुला राशि वाले काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको लाभ भी मिल रहा है, तो आपके मार्ग खुल रहे हैं और लाभ मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वाले इस समय पर अगर गणेश जी की आराधना करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ रहता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके कार्य पूरे होंगे, लेकिन आपको अपनों की सलाह लेनी है। किसी भी ऐसे अपने की सलाह आप लीजिए जो आपके बहुत काम आएगी, तो अपनों की सलाह लीजिए, आपके काम बनेंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों की तो चिंताएं खत्म होने वाली हैं। जो चिंताएं चली आ रही थी दिल में, बहुत सारी टेंशंस, बहुत सारी चीज़ें थी, तो आज का दिन आप रिलैक्स रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई देता है, बहुत रिलैक्स मूड में रहेंगे और चिंता कोई रहेगी नहीं और शांति से आप अपना पूरा दिन स्पेंड करेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। तो आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मतलब कि कहते हैं ना पर्स में पैसा है तो इंसान स्ट्रांग रहता है, तो आपकी विल पावर भी स्ट्रांग है और मन भी स्ट्रांग है, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा जा रहा है और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप अपने सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल रखिए, बाकी तो सब चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, लेकिन गुस्से की वजह से कहीं आपको कोई नुकसान ना हो जाए, तो आपको कंट्रोल अपने गुस्से को करना है। बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो नौकरी में तरक्की मिल सकती है और नौकरी में भी तरक्की मिलेगी और जो आपके बॉस हैं वो आपकी फेवर कर सकते हैं, आपको न्यू जिम्मेवारी दे सकते हैं जिससे आपका इंक्रीमेंट होना तय है, तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत शुभ है। बात करते हैं मीन राशि की। तो पार्टनर के साथ आपके थोड़ी सी गलतफहमी, मतभेद हो सकते हैं और मीन राशि वालों को अपनी ज़िद्द और गुस्से पे कंट्रोल करना है आज के दिन। कोई भी गलतफहमी हो रही है तो उसको ज़्यादा बड़ी मत होने दीजिए, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है जैसे कि आज का दिन आपके फेवर में नहीं है तो कोई बात नहीं, कल का नया सवेरा और नई चीज़ होगी, लेकिन आपको सावधान रहना है, सिर्फ गलतफहमियों से बचना है, गुस्से को कंट्रोल करना। ये रहा 12 राशियों का हाल। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी अगले दिन के लिए, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।